जो गाजियाबाद के लिए जा रही हैं। सवारियां जो हैं यहां पर खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग सिर्फ इसलिए इसके अंदर सवार नहीं हुए कि उनके पास अभी तक किराया नहीं है, और ये लोग यहां पर हैं, ये ठहर गए। आप क्यों नहीं गए इसमें? नवीन भैया, कोरोना से क्या मतलब है बताते हैं, भीड़ से बचो, उसके बाद एक एक बस में जो है 100-100 लोग को ठूंस के भेजेंगे तो आदमी कोरोना से तो मर जाएंगे ना। अगर एक आदमी को कोरोना हुआ होगा 100 लोग कोरोना से पीड़ित होंगे, और अगर हम सब लोग 100 लोग जाके जो है अगर अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो हजारों की संख्या में कोरोना पैदा होगा। अगर सरकार ने जैसे लॉकडाउन किया पहले एक दो दिन का, लोगों को पब्लिक को समय देना चाहिए ना कि आप अपने अपने घर पहुंच जाइए, ना खाने की व्यवस्था की है ना कुछ की है। एक दिन जनता कर्फ्यू लगाए, दूसरे दिन 8 बजे लाइव आते हैं या बोलते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, खाने की व्यवस्था एक रुपए की नहीं की है, बोल रहे हैं कि प्रशासन आपको खाने के लिए पहुँचा रही है। क्या पहुँचा रही है? कुछ नहीं पहुँचा रही है। आज 4 दिन से भूखे थे, 112 पे कॉल किए तो आधे घंटे बाद पुलिस आके 4 रोटी दे के जा रही है कुत्ते के जैसे। ये कहीं गंदिया में क्या क्या कर रहे हैं सरकार? कुछ नहीं कर रही है। योगी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना मोदी जी कर रहे हैं। इसमें की व्यवस्था हो गई, इसमें कुछ नहीं व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? अगर व्यवस्था किए होते तो जो यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं अलग अलग शहर के, हम लोग अपने अपने घर ना पहुँच गए होते। आदमी कोरोना से भूख से मरने से बेहतरीन है कोरोना मौत मर जाए, लोग हम तो साफ जानते हैं कोरोना से मरना भूख से अच्छा है मरना कि कोरोना से मर जाओ। आप कहाँ से चले? मैं सहारनपुर इंटरव्यू के लिए आया था सिजेंटा इंडिया लिमिटेड कंपनी में। ना मेरा कुछ हुआ ना कुछ, जब तक पैसा था तब तक तो यूज किए। मोहल्ले में ना राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, आदमी मिट्टी हवा खा के थोड़ी जिंदा रहेगा। अभी तक कहाँ रह रहे थे आप? अभी तक जहाँ थे एक लोग के यहाँ रुके हुए थे, बड़े मुश्किल से कहिए वो किए। हमको अच्छा समझ में आया कि इससे बेहतरीन है, लोग को देख रहे हैं पैदल नहीं कर रहे हैं, इससे बेहतरीन पैदल नहीं करो ना सही, 10-15 लोगों की कमेटी मिल जाएगी, उनके साथ बोलते बतियाते अपने घर तो पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भूखे मरने से अच्छा है कि अपने अपने घर पर रहो, अपने माँ बाप के सामने मरो। अगर मरना ही है तो यहाँ पर क्या फ़ायदा निकलेगा? और लेकिन बस वाले कह रहे हैं कि किराया नहीं लगा, क्या किराया मांगा जा रहा है? क्या किराया ये बोल रहे हैं? दो अखी बात कर रहे हैं। अभी तो बोले थे कि जो है आरएम साहब का आदेश है कि 220 रुपये किराया आप लोग का लगेगा, उसके बाद आप लोग को भेजा जाएगा, किराया अनिवार्य देना। गाजियाबाद के बाद आपका किराया नहीं लगेगा, सहारनपुर से आपका किराया गाजियाबाद का लगेगा। ये खुद ही दो तरफा बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करें? इनके लड़के अगर अभी बाहर फंसे होते तो इनको अवकाश समझ में आता कि बच्चे की माँ बाप कैसे बच्चों को सहते हैं, अपना बच्चा तो सबको प्यारा रहता है। हम लोग किसी के बच्चे हैं नहीं, हम लोग किसी की माँ की कोख से तो जन्म लिए नहीं है। किधर जाएंगे? हमको तो इलाहाबाद जाना है, अब किसी ना किसी तरीके तो जाएंगे। अगर लखनऊ भी पहुँच जाते तो लखनऊ में मेरी बाइक है, मैं लखनऊ से इलाहाबाद निकल जाता। बाहर निकलो तो लोग कहते हैं पुलिस वाले बिना मतलब कि डंडा मार रहे हैं, तो इससे बेहतरीन भैया मार दें, इससे बेहतरीन गोली मार दें, मर जाएं लोग अपने, कम से कम जो है एक घुट घुट के मरने से बेहतरीन है एक झटके में मर जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। तो ये इलाहाबाद जाएंगे, फंसे हुए हैं यहाँ पर, इंटरव्यू देने आए थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद किस तरह से टेंशन दिखाई दे रही है उनके चेहरे पर आप समझ सकते हैं।